हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्वेशंस आईएएस। आज हम डिस्कस करेंगे लोकस्ट अटैक। लोकस्ट को हिंदी में बोलते हैं टिड्डी। हम डिस्कस करेंगे आज इसकी हिस्ट्री क्या है, कहां से ये लोकस्ट आए, किस तरीके से, क्यों ये पाकिस्तान की तरफ आए, फिर पाकिस्तान से होते हुए इंडिया आए, क्या रीजंस हैं और इसके सॉल्यूशंस क्या हैं, किस तरीके से टिड्डी अटैक से बचा जा सकता है, ठीक है, और ये टिड्डी अटैक से हो क्या रहा है, प्रॉब्लम्स क्या हो रही है, ये सारी चीजें समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। दिस सेशन इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज दीपक दत्त ममगाई। देखिए, ये है टिड्डी लोकस्ट, ये आपको दिख रहा होगा पिक्चर में, ठीक है। ये टिड्डी है, इस तरीके का ये दिखता है और ये अटैक पूरे ग्रुप में करते हैं, ठीक है। अब ये टिड्डी अटैक जब आते हैं, जैसे किसी भी फील्ड में, अब इन्हें खाना फूड कहां से मिलेगा, फूड के लिए ये खेतों में अटैक करते हैं। किसी ने गेहूं उगाया होगा, चावल उगाया होगा, दालें होंगी, सब्जियां होंगी, तो ये उनके ऊपर अटैक करते हैं और बहुत तेजी से पूरी फसल चट कर जाते हैं। तो किसानों की महीनों की मेहनत पूरी खराब हो जाती है, बहुत नुकसान होता है किसानों को। जैसे आपको दिख रहा होगा, एक लेडीज हैं, उन्होंने सब्जी वगैरह कुछ उगाई हुई है और टिड्डियों को भगाने की कोशिश कर रही है और टिड्डियां पूरे उनकी जो फसल है उसे पूरा चट कर गई, पूरा खा गई, ठीक है। तो उनका रिजल्ट क्या निकलता है, किसानों के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये केवल एक फील्ड की प्रॉब्लम नहीं है, पूरे का पूरा रीजन लाखों की लाखों टिड्डियां आ रही और पूरे खेतों को चट कर रही, तो इनसे कैसे निपटा जाएगा, ये अचानक से कैसे आ गई, और पहले ये न्यूज में इतनी ज्यादा नहीं थी और अब क्यों न्यूज में है, तो ये समझने की कोशिश हम करेंगे। देखिए, एक तो टिड्डी समझ लेते हैं, टिड्डी क्या होता है, डेजर्ट लोकस्ट। अब डेजर्ट लोकस्ट का मतलब है ये टिड्डी डेजर्ट, जो रेगिस्तान का इलाका है, सूखा इलाका है, सेमी एरिड, जिसमें थोड़ा बहुत पानी हो, रेगिस्तान के इलाके में अगर पानी हो जाए, नमी, मॉइस्चर, तब ये उनके लिए एक एनवायरनमेंट बनता है ब्रीडिंग ग्राउंड टिड्डियों के लिए, ठीक है। तो ये बेसिकली सेमी एरिड या डेजर्ट रीजन में पैदा होती हैं टिड्डियां, ठीक है, वहीं ये अंडे देती हैं, या खाली एरिया चाहिए अंडे देने के लिए, जैसे ये अंडे दे सकती है राजस्थान के सूखे इलाके में, लेकिन इंडो गैंगेटिक प्लेन्स है, नदियों के किनारे, वो क्योंकि सूखा इलाका नहीं है, ठीक है, वहां पर ये अंडे नहीं दे सकती, या गोदावरी, कावेरी डेल्टा, इनके लिए फेवरेबल जो एनवायरनमेंट होता है वो होता है जहां पर गर्मी ज्यादा हो, सूखा इलाका हो, थोड़ा बहुत बारिश हो जाए अचानक से, ठीक है, जैसे राजस्थान, रेगिस्तान में या राजस्थान में बारिश हो जाए तो वो जो सूखा इलाका है वो ब्रीडिंग ग्राउंड हो जाता है टिड्डियों के लिए। लेकिन जब टिड्डियां पैदा होती हैं ब्रीडिंग ग्राउंड, उसके बाद इन्हें फूड, खाना कहां से चाहिए, खाना तो उन्हें रेगिस्तान में मिलेगा नहीं, तो आसपास के इलाके में जहां भी खेत होते हैं, वेजिटेशन होता है, वहां पर ये टिड्डियां फिर अटैक करती हैं, तभी इनका डेवलपमेंट हो पाता है, वरना ये मर जाएंगी वहीं पर, क्योंकि खाना इन्हें मिलेगा नहीं और ये भूखे मर जाएंगी, ठीक है। अब समझ लेते हैं कि पहले कभी टिड्डियों को लेकर ऐसी कोई स्टडी हुई है कि नहीं हुई है। देखिए, यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन का पार्ट है FAO, वो स्टडी करता रहा है सीरियस इन्वेजन टिड्डियों का। देखिए, इंडिया में अगर हम देखें 1926 से 1931, 5 साल तक टिड्डियों का काफी अटैक रहा, ठीक है, और लगभग उस समय की वैल्यू के हिसाब से 2 करोड़ की जो क्रॉप्स है वो डैमेज करी थी टिड्डियों ने 1926 से 31। एक तो हिस्ट्री रही है टिड्डियों की, ये कोई नई चीज नहीं है, ठीक है। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि टिड्डियां किस तरीके से ब्रीडिंग उनकी हुई। उससे पहले हमारे चैनल को, जिन स्टूडेंट्स ने सब्सक्राइब नहीं करा है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें हम स्टडी मटेरियल वगैरह शेयर करते हैं। हमारा इक्वेशंस आईएएस ऐप है जिसे गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसमें यूपीएससी का कंप्लीट कोर्स है, बैंक एसएससी का भी कंप्लीट कोर्स है, ओनली क्वांट का भी इसमें कंप्लीट कोर्स आपको मिलेगा, ठीक है। हाँ, तो ये समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये जो मैप है आपको दिख रहा होगा, ये इंडिया है, ठीक है, मैप में आपको दिख रहा होगा इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान। अब देखिए, जो सऊदी अरबिया है, 2018 में क्या हुआ, सऊदी अरबिया में एक साइक्लोन आया 2018 में, साइक्लोन मेकुन 2018 की बात। अब उस साइक्लोन की वजह से काफी बारिश हुई 2018 में, मई के महीने में, गर्मियों में। अब बारिश हुई तो वहां पर, क्योंकि अरेबियन पेनिनसुला काफी हॉट है, रेगिस्तान टाइप के हैं वहां पर, तो वहां पर बारिश हुई, कई जगह पानी इकट्ठा हो गया, ठीक है, कई किलोमीटर स्क्वायर एरिया में, ठीक है, हजारों किलोमीटर स्क्वायर एरिया में पानी इकट्ठा हो गया। अब वहां पर कई जगह पानी इकट्ठा हुआ तो ब्रीडिंग ग्राउंड हुआ लोकस्ट के लिए, टिड्डियों के लिए ब्रीडिंग ग्राउंड 2018। तो वहां पर बहुत सारे लोकस्ट पैदा हुए,
क्योंकि वहां पर सऊदी अरेबिया में एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बारिश हो गई मई के महीने में, ठीक है। अब वो टिड्डियां वहां पर पैदा हुई, अब टिड्डियों के लिए ब्रीडिंग ग्राउंड बन गया सऊदी अरेबिया, तो अब उन्हें खाने के लिए जो वेजिटेशन चाहिए तो उन्होंने मूव करना स्टार्ट करा। ये हाईली माइग्रेटरी इन नेचर होती है, एक जगह पे कभी रहती नहीं टिड्डियां, जब एक जगह से दूसरी जगह जगह ढूंढती है कि इन्हें खाने के लिए कहाँ मिलेगा, तो टिड्डियां वहां से ईरान की तरफ एंटर करी। 2019 में ईरान के ऊपर इन्होंने एक अटैक करा, ईरान में जहां पर वेजिटेशन है उनके ऊपर अटैक करा टिड्डियों ने, ठीक है। ईरान से वो अगले साल पाकिस्तान में भी गई, ठीक है, पाकिस्तान में भी अटैक करा। उसके अलावा अप्रैल 2019 में, ठीक है, अप्रैल 2019 में राजस्थान में भी काफी बारिश हुई, राजस्थान में भी एक ब्रीडिंग ग्राउंड टिड्डियों के लिए बना। तो वो जो सऊदी अरेबिया की टिड्डियां थी, एक तो वो भी थी, कुछ जो ब्रीडिंग ग्राउंड है राजस्थान में भी बना, पाकिस्तान के एरिया में भी टिड्डियों के लिए वो ब्रीडिंग ग्राउंड बना, क्योंकि उन्हें जो है सेमी अरेड सूखे एरिया में बारिश हो जाए तो वो उनके लिए फेवरेबल एनवायरमेंट होता है ब्रीडिंग के लिए। तो टिड्डियां जब इंडिया की तरफ या पाकिस्तान, ईरान पाकिस्तान की तरफ मूव कर रही थी तो बीच बीच में इन्हें ब्रीडिंग एनवायरमेंट भी मिलता रहा, ब्रीडिंग एनवायरमेंट मिलता रहा, तो और टिड्डियां पैदा होती गई, लाखों करोड़ों में इनका नंबर पहुंच गया और पाकिस्तान से वो टिड्डियां इंडिया तक पहुंच गई। तो आपको इसका ओरिजिन समझना है, 2018 सऊदी अरबिया में जब बारिश हुई वहां से ये ओरिजिन है, फिर उड़कर ईरान तक पहुंची। एक दिन में 150 किलोमीटर तक भी उड़ सकती हैं टिड्डियां, 150 किलोमीटर दूर तक ट्रैवल कर सकती हैं टिड्डियां, और ग्रुप में ट्रैवल करती हैं, इसीलिए इन्हें ग्लोबल स्वार्मिंग बोल रहे हैं। स्वार्मिंग हम बोलते हैं ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स को, ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स को स्वार्मिंग बोलते हैं, ठीक है, ये एक आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इंपैक्ट क्या होता है टिड्डी अटैक का, एक तो फूड सिक्योरिटी, क्योंकि ये जो खेत के खेत कट कर जाती हैं, गेहूं हो, चावल हो, फल सब्जियां, ये क्योंकि इन्हें तो वेजिटेशन चाहिए, ठीक है, इनके डेवलपमेंट के लिए इन्हें खाना चाहिए, तो ये क्या करती है वो पूरा चट कर जाती है। तो फूड इनसिक्योरिटी किसी भी कंट्री में हो सकती है टिड्डी अटैक की वजह से, उसकी वजह से किसानों को ऊपर भी असर पड़ता है, किसान गरीब हो सकता है, उसकी इनकम जीरो हो सकती है, वो और गरीब हो सकते हैं, उनके ऊपर लोन वगैरह चढ़ सकता है, तो किसानों के ऊपर तो बहुत ज्यादा असर होने वाला है टिड्डियों की वजह से, ठीक है। अर्बन एरियाज को भी इफेक्ट करती है, आप सोचो कि आप सिटी में रहते हैं और टिड्डी अटैक हो जाए सिटी में, टिड्डियां पूरे शहर में, तो आप उस दिन घर से बाहर नहीं निकल सकते, रेस्टोरेंट में कुछ नहीं खा सकते, बाहर घूमने कोई भी नहीं घूम सकता, तो पूरी इकॉनमी अर्बन एरिया की पूरी एक तरीके से क्रैश एक तरीके की से उस दिन हो पाएगी। और उसके अलावा जो मजदूर हैं, डेली लेबर्स हैं, जो रोज कमा के खाते हैं, उनकी लाइफ भी बहुत ज्यादा उसकी इनकी लाइफ में भी बहुत ज्यादा असर पड़ने वाला है टिड्डी अटैक की वजह से अर्बन एरिया में भी। तो ये काफी इम्पैक्ट पड़ा जो है लाइफ में, सबकी लाइफ में बहुत खतरनाक असर डालती है टिड्डी अटैक, तो इनसे बचना बहुत जरूरी है। अब सोल्यूशन क्या है, देखिए एक तो इमीडिएट सोल्यूशन ये है, इमीडिएट मेजर्स कि जो लोकस्ट अटैक है उसकी तैयारी हम पहले कर लें, एरियल सर्वे, एरियल स्प्रेइंग करें, ठीक है, जैसे ड्रोन होते हैं, एरियल ड्रोन से दवाइयों का छिड़काव करें हवा में, हम पूरे कैलकुलेट करें कब टिड्डी आने वाली है, दवाइयों का छिड़काव करें ताकि उन दवाइयों से टिड्डी मर जाए, इंसेक्टिसाइड से, ठीक है, हेलीकॉप्टर से स्प्रे कर सकते हैं ऐसे एरियाज में जहां पर हमने, क्योंकि टिड्डी अटैक होते हैं तो कई बार पेड़ों में, बड़े बड़े पेड़ों में भी वो बैठ जाते हैं, ठीक है, तो जहां पर हम दवाइयों का छिड़काव नहीं कर सकते ऊंचे ऊंचे पेड़ों में टिड्डियों दवाइयों का छिड़काव करें हेलीकॉप्टर से, ताकि टिड्डी आए जैसे पेड़ों में बैठे उनकी डेथ वहीं पर हो जाए, वो पेड़ों को, बड़े बड़े पेड़ों को क्रॉस ना कर सके। झाड़ियां हैं वहां पर दवाइयों का छिड़काव करें, खेतों में छिड़काव करने के बजाय झाड़ियों में या बड़े बड़े पेड़ों में दवाइयों का छिड़काव करें, ताकि टिड्डी जब आ रहे हो बीच में कहीं झाड़ियां या बड़े बड़े पेड़ पे वो आए बैठे तो उनकी वहां पर डेथ हो जाए, तो एक बैरियर का काम करें, ठीक है। तो जो भी पोटेंशियल ब्रीडिंग ग्राउंड कहीं भी दिखता है वहां पर दवाइयों का छिड़काव करें, तो इमीडिएट मेजर्स तो ये है। दूसरा, हमें सिस्टमैटिक स्टडी करनी है लोकस्ट की, टिड्डियों की, उनका पैटर्न क्या है, किस तरीके से मूव करते हैं, क्योंकि वो प्लानिंग के साथ ही हम टिड्डी अटैक से बच सकते हैं। तीसरा, क्लाइमेट चेंज के लिए हमें रिसर्च करना, क्योंकि ये सारी चीजें किस वजह से हो रही है, क्योंकि गर्मियों में पहले मानसून से पहले बारिश हो जाना रेगिस्तान के इलाके में तो ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाता है टिड्डियों का, और ये सब क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है, क्योंकि पोल्यूशन इतना ज्यादा हो गया है, ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन हो रहा है, तो पूरा क्लाइमेट चेंज होने की वजह से
कभी बारिश ज्यादा हो रही है, कभी बारिश पहले हो रही है, कई बार बाद में हो रही है, रेगिस्तान में ज्यादा बारिश हो रही है, जहां बारिश होनी चाहिए थी वहां नहीं हो रही है, कहीं बाढ़ आ रही है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। इस वजह से ब्रीडिंग ग्राउंड भी बन रहा है, तो क्लाइमेट चेंज से भी लड़ना है। साथ ही साथ स्ट्रेंथनिंग डिसेंट्रलाइजेशन, इसका मतलब क्या है, सारी चीजें जैसे प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, कुछ चीजें चीफ मिनिस्टर या जो लोकल लेवल एडमिनिस्ट्रेशन है, पंचायत हो गया, मेयर हो गया, सिटी में म्यूनिसिपैलिटी हो, ये लोकल लेवल पर डिसाइड करें। अपने यहाँ अलग अलग एरिया की अलग अलग प्रॉब्लम होंगी टिड्डियों की वजह से, तो उनको फाइनेंशियल फंड्स वगैरह प्रोवाइड करें कि कैसे वो टिड्डियों से निपटें, और अलग अलग एरिया से टिड्डियों से निपटने का तरीका भी अलग अलग है। तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब पावर दें बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे, बॉटम अप अप्रोच जिसे बोलते हैं, टॉप डाउन अप्रोच होती है, सेंट्रल लेवल पे कोई डिसाइड कर रहा है फिर बॉटम में डायरेक्शन दे रहा है। बॉटम अप अप्रोच का मतलब है ग्राउंड लेवल पे ही चीजें डिसाइड हो रही है। डीएम जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डिसाइड कर रहा है अपने डिस्ट्रिक्ट में टिड्डियों से लड़ने के लिए या जो भी डिस्ट्रिक्ट की प्रॉब्लम होगी। उसके अलावा रीजनल कॉपरेशन, रीजनल कॉपरेशन का मतलब है इंडिया हो, पाकिस्तान हो, ये आपस में कोऑर्डिनेट करें, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, ठीक है, सऊदी अरबिया, क्योंकि वहां से हवा के साथ साथ टिड्डियां यहां पर आ रही हैं, ट्रैवल कर रही हैं। तो रीजनल आपस की ये जितनी भी कंट्रीज हैं, मिडिल ईस्ट की कंट्री है, ईरान, पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान, ये आपस में कोऑर्डिनेट करें ताकि टिड्डियों से इफेक्टिवली ये लड़ सके। तो ये इसके सॉल्यूशंस हैं टिड्डी अटैक से बचने के लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं स्टूडेंट्स। थैंक यू।